हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, एक्चुअली हम लोग अभी ये जो लेक्चर सीरीज चल रहा है इसमें नीट के एग्जामिनेशन में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन कर रहे हैं, और जो अभी हम लोग का चैप्टर चल रहा है उसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। तो इसमें हम लोग लास्ट क्लास तक में जहाँ तक पढ़े थे उससे आगे बढ़ेंगे, और स्टार्ट करेंगे। 2000 ईस्वी में एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशंस। 2000 ईस्वी में नीट में एक क्वेश्चन आया था कि Which pair do not have equal dimension? इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसका जो डायमेंशन है वो इक्वल नहीं है? तो इसमें हमको ऑप्शंस हैं, पहले एनर्जी एंड टॉर्क, दूसरा ऑप्शन है फोर्स एंड इम्पल्स, फोर्स एंड इम्पल्स, थर्ड ऑप्शन है एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, और एक और ऑप्शन है इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर। ये जो चार आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखिए कि इनमें से, देखिए चार पेयर हैं, हर पेयर में आपको दो अलग अलग मतलब फिजिकल क्वांटिटी दिख रहे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि विच पेयर डू नॉट हैव इक्वल डायमेंशन, मतलब इनमें से जो कौन सा ऐसा पेयर है जिसका डायमेंशन इक्वल नहीं है। इसको यदि क्रॉस करके समझे मतलब बाकी जो है उसका डायमेंशन ठीक है वो सेम है। जैसे मान लीजिए इन चार में से तीन ऐसे हैं जिनका डायमेंशन सेम है और एक ऐसा है जिसका डायमेंशन अलग आपको मिलेगा। लेकिन डायरेक्ट इसका आंसर बोलने से पहले हम लोग को इसके विषय में, इसके बारे पर्सनली एक एक करके इंडिविजुअली सबका डायमेंशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसमें मान लेते हैं जो फर्स्ट वाला है एनर्जी एंड टॉर्क, तो लेट्स कैलकुलेट एनर्जी है, एनर्जी और टॉर्क ये दो चीज़ पूछा जा रहा है। तो एनर्जी का डायमेंशन होता है ML2T-2। ये कहाँ से आया? तो एनर्जी का डायमेंशन वर्क डन के इक्विवेलेंट होता है, और जो वर्क डन होता है उसका डायमेंशन होता है वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो उसके लिए जैसे ML2T-2। अब इसके बाद जैसे टॉर्क है, तो टॉर्क के बारे जानते हैं कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए यहाँ पे ML T-2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए L, तो यहाँ से टॉर्क का आ जाएगा ML2T-2। मीन्स
जो ऑप्शन नंबर वन है जिसमें दो फिजिकल क्वांटिटी जो दिए हुए हैं एनर्जी एंड टॉर्क, ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन है फोर्स एंड इम्पल्स। देखिए जो फोर्स होता है, फोर्स का डायमेंशन होता है ML T-2, जो फोर्स का होता है, और इम्पल्स जो होता है जिसको J से डिनोट करते हैं, ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स इंटू फोर्स इंटू अमाउंट ऑफ फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंटू स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो J बराबर हम लोग लिखते हैं फोर्स इंटू टाइम। फोर्स का डायमेंशन ML T-2 और टाइम का T ML T-1। यहाँ पे हम लोग का आया फोर्स का ML T-2, और यदि इम्पल्स का निकालें तो इम्पल्स का आ गया ML T-1। तो इससे हम लोग को यही पता चल रहा है कि ये जो पेयर है फोर्स और इम्पल्स, इसका डायमेंशन सेम नहीं होगा। बट आपके नॉलेज के लिए हम लोग एंगुलर मोमेंटम, प्लैंक्स कांस्टेंट, इलास्टिक मॉडुलस एंड प्रेशर, ये चारों का डायमेंशन आगे के लिए, इट मीन्स टू से दैट कि मे बी पॉसिबल कभी ज़रूरत पड़ सकता है, तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट में ही इन चारों का डायमेंशन के बारे एक आइडिया ले लेंगे। देखिए यहाँ से एंगुलर मोमेंटम L R क्रॉस P, तो एंगुलर मोमेंटम L के लिए R क्रॉस P, तो R के लिए L लिख देंगे, और मोमेंटम जो P है उसका फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम P बराबर मास इंटू वेलोसिटी, तो ML T-1। तो यहाँ से हो जाएगा L = ML2। T-1। अब यहीं पर एक है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला होता है, जैसे सबसे पहले फॉर्मूला हो जाता है E = h𝛎, H = E/𝛎, H = E/𝛎, एनर्जी का ML2T-2, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन T-1 होता है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी के लिए डायमेंशन T-1 होगा बिकॉज दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और ये जो T-1 है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे T-1, ये आपको ऊपर चला जाएगा, तो H ML2T-1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये -2 है और ये ऊपर जाएगा तो T⁻¹ आ जाएगा, और यदि T⁻¹ आ जाएगा तो मतलब -2 में 1 जाएगा तो -1। तो आप देख सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम और जो प्लैंक्स कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन सेम होता है। अंतिम ऑप्शन है
इलास्टिक मॉडुलस और प्रेशर। इलास्टिक मॉडुलस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फर्स्ट ऑफ ऑल यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के विषय में देखेंगे, उसका फार्मूला आता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। देखिए वाई बराबर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस एफ बाय ए बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन डेल्टा एल बाय एन। तो वाई बराबर देखिए ऐसे लिख देंगे एफ बाय ए इंटू डेल्टा एल और यहाँ चला जाएगा एल। तो वाई बराबर फोर्स का एम एल टी माइनस टू, लेंथ का एल, एरिया का एल टू और इसका हो जाएगा एल। अब इसके बाद वाई बराबर एम, ये देखिए एल टू और एल एल क्यूब हो जाएगा, ऊपर में एल स्क्वायर है तो फिर भी आपको एक बच जाएगा नीचे एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये क्या आया? तो ये हमारा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन और इसके साथ जो पेयर बना रहा है वो है प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला हो जाता है फोर्स बाय एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया। फोर्स जिसका डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी माइनस टू और एरिया का हो जाएगा एल टू, तो यहाँ से प्रेशर बराबर आ जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसका जो डायमेंशन है वो सेम आया। देखिए अब इसके बाद जैसे इस क्वेश्चन को ऐसे तो हम लोगों ने आंसर लिख दिया कि ये बी नंबर वाला होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि आपको 1996 में आया हुआ है। उन्नीस सौ छियानवे में ये आया हुआ है द डायमेंशंस, द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स आर इक्वल दैट ऑफ, ऑप्शन है प्रेशर, दूसरा लीनियर मोमेंटम तीसरा फोर्स और चौथा एंगुलर मोमेंटम। देखिए पूछा जा रहा है कि इम्पल्स का डायमेंशन इसमें से कौन सा होगा। तो देखिए इसके लिए इम्पल्स के बारे अभी हम लोग जस्ट कुछ देर पहले ही
इम्पल्स के बारे बात किए कि जो इम्पल्स होता है उसका डायमेंशन से उसका फॉर्मूला हो जाता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का MLT माइनस टू, और जो लेंथ होता है उसका MLT माइनस टू, ये आपको हो जाता है फोर्स का, उसको टाइम टी से मल्टीप्लाई की जगह तो आ जाएगा MLT माइनस वन। मतलब ऐसे समझिए कि MLT माइनस वन, ये चारों में से किसका डायमेंशन ये होगा। तो आइए चारों का डायमेंशन इजीली हम लोग फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर, जिसका फॉर्मूला हो जाता है फोर्स बाय एरिया MLT माइनस टू, एरिया का L2। तो प्रेशर का डायमेंशन आ जाएगा L माइनस वन T माइनस टू, L माइनस वन T माइनस टू, ये किसका डायमेंशन आया। तो ये आपको डायमेंशन आ गया प्रेशर का L माइनस वन T माइनस टू। अब लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम में मोमेंटम P बराबर हो जाता है MV, मास का M, वेलोसिटी का LT माइनस वन। तो इसका आ जाएगा MLT माइनस वन। फोर्स, ये तो बहुत इजीली हम लोग इसको जानते हैं। दैट फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, दैट्स फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का एम और एक्सेलरेशन के एल टी माइनस टू। एंगुलर मोमेंटम को भी लिख सकते हैं एल बराबर आर क्रॉस पी। और देखिए पी का इतना आया है, इसको यदि मल्टीप्लाई करना हुआ MLT माइनस वन। ये सेम चीज़ को बस आप आर, दैट इज रेडियस होता है तो उसका डायमेंशन तो एल आएगा, तो उससे आप मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये जो डायमेंशन है MLT माइनस वन, ये लीनियर मोमेंटम का है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा लीनियर मोमेंटम। अब इसके बाद उन्नीस सौ छियानवे में ही एक क्वेश्चन आया था विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन विल बी सेम एज दैट ऑफ टाइम, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ टाइम। पहला एल बाय आर, दूसरा सी बाय एल, तीसरा एल सी, और चौथा आर बाय एल। वैसे तो आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो डिटेल्ड में अल्टरनेटिंग करंट के करके जो चैप्टर है उसमें हम लोग इसको पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन में इसके जस्ट बाद 1995 में यहीं पर एक और क्वेश्चन को आपको लिखते हैं कि 1995 में एक सवाल आया था कि विच ऑफ द, ओके सॉरी, द डायमेंशंस ऑफ
आरसी, द डायमेंशंस ऑफ आरसी इज, पहला ऑप्शन है स्क्वायर ऑफ टाइम, दूसरा स्क्वायर ऑफ इनवर्स टाइम, तीसरा टाइम और चौथा इनवर्स टाइम। देखिए ये इस प्रकार के जो क्वेश्चन है इसमें आपको, तो देखिए ये जो क्वेश्चन जिसमें आर और सी है, तो देखिए इस तरह के प्रश्न में आपको ये दोनों क्वेश्चन में एल, आपको बता देते हैं कि एल क्या है। तो देखिए एल जो है उसको आप कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस या सेल्फ इंडक्शन कह सकते हैं, आर रेसिस्टेंस को बताता है, और जो सी है वो कैपेसिटेंस को बताता है। स्टूडेंट्स इस इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पर्याप्त रूप से इन सब का डायमेंशन पता होना चाहिए, और ये सब का डायमेंशन निकलेगा कैसे इसके लिए हम आपको एक हिंट करते हैं कि सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल एक रिलेशन होता है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स फाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। ऐसा क्यों होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट का? एक्चुअली जो मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट आर एक्चुअली द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच आर क्रॉसिंग नॉर्मली फ्रॉम अ सरफेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो किसी भी क्लोज सरफेस से टोटल नंबर ऑफ जो लाइंस नॉर्मली पास करता है दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स आर एक्चुअली द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होता है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ से आता है ना, किसी कंडक्टर में जब करंट पास होता है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो ये यदि आपको जानना है इसके लिए आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाइए तो फाई बराबर एल आई, फाई बराबर एल आई, और लिख सकते हैं एल इज इक्वल टू फाई बाय आई। आई स्टैंड्स फॉर करंट, तो इसका तो डायमेंशन काफ़ी इजली आप ए भी रख सकते हैं आई भी रख सकते हैं। अब फाई जो है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को बता रहा है उसका डायमेंशन यदि आपको जानना है तो उसके लिए आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा बी डॉट ए, जहाँ पे ए फॉर एरिया और जो बी है वो मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके लिए उसका डायमेंशन निकालने के लिए F इज इक्वल टू क्यू वी बी, एफ इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी। एफ का आपको डायमेंशन ईजिली पता है, चार्ज Q का पता है, वेलोसिटी V का पता है, तो B का आपको ईजिली निकल जाएगा, फिर आई बैठाइएगा। तो इस तरीके से L का डायमेंशन आ गया। अब यदि आपको कैपेसिटेंस सी का डायमेंशन निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यहाँ से क्यू बराबर सी वी, तो सी बराबर क्यू बाई वी, सी फॉर
कैपेसिटेंस, क्यू फोर चार्ज और भी फोर पोटेंशियल। अब आपको यहाँ से जो भी है उसका डायमेंशन निकालने के लिए, यदि आपको डायरेक्टली याद है तो ठीक है, अदरवाइज यदि बेसिक से चला जाए तो भी का डायमेंशन निकालने के लिए पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मीन्स भी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। वर्क डन का आपको इजीली पता है, चार्ज का आप एटी या चाहे तो आईटी लिख सकते हैं। अब एक चीज़ है और वो है रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। तो रेसिस्टेंस का निकालने के लिए इजीली आप अप्रोच कर सकते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी इज इक्वल टू आई आर, तो भी इज इक्वल टू आई आर यदि पुट करते हैं तो आर बराबर भी बाय आई। भी का इजीली आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज प्रीवियस जो क्वेश्चन है उससे आप इसका हेल्प ले सकते हैं। और भी की जगह आप भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू पुट कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको इजीली आंसर इसका मिल जाएगा। और ये सॉल्व करने के बाद देखिए, ये तीनों जो क्वांटिटीज़ हैं इनका डायमेंशन फाइंड करने के बाद रिस्पेक्टिवली एल बाई आर का वैल्यू निकालना है, सी बाई एल का वैल्यू निकालना है, एल सी का वैल्यू निकालना है, आर बाई एल का वैल्यू निकालना है। तो इस प्रकार से इसका डायमेंशन कैलकुलेट करने के बाद टाइम, मतलब इसमें से ये चारों में से किसका डायमेंशन का जो रिजल्टेंट है वो टाइम टी के इक्विवेलेंट आएगा या टाइम टी के बराबर आएगा। और आर सी इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए कि जो डायमेंशन आएगा वो इन चारों में से किसके बराबर आएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डील करेंगे। आप इसको बनाइए, अपने आंसर को तैयार रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको आंसर को देखेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।